मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरसिक एजुकेशन कैंपस। आज हम स्टैंडर्ड ले रहे केजी सेक्शन में, सब्जेक्ट हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। और टॉपिक क्या है बच्चों? मेक अ पेपर टॉर्टाइस। ओके, क्या है? मेक अ पेपर टॉर्टाइस। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ मेक अ पेपर टॉर्टाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको डी शेप में क्या बनाना है? हाफ सर्कल बनाना। देखो, दिख रहा है आपको? इस तरीके से सर्कल बना के आपको, और आपको क्या करना है, इसमें ड्राइंग पेपर लेना है। ठीक है, ड्राइंग पेपर लेकर, अगर ड्राइंग पेपर नहीं है, अगर आपके पास ऐसा है ड्राइंग पेपर घर पे कोई रफ है, उसके ऊपर पेपर लेकर वाइट वाला, और उस पर ऐसे पिंक पेपर पेस्ट कर देना। ठीक है, इस तरीके से, देखो जैसे मैंने करा है। ठीक है, उसके बाद ना बच्चे, आपको ऐसे कोई भी कलर लेकर ऐसे फोर लेग्स बनाने। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये 1 2 3 4। ओके, ये सब हमको चाहिए इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आइस बनानी है। तो पहले वाइट पेपर कट करना है, अगर आपके पास बिंदी है तो आप बिंदी भी लगा सकते हो। ठीक है, वाइट पेपर कट करके उसके ऊपर बिंदी भी ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के लिए वाइट पेपर कट करा है मैंने, उसके ऊपर मैंने सर्कल करके बिंदी बनाई है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं ऐसे अलग अलग कलर के। देखो, ये सब अलग अलग कलर के सर्कल बनाकर उसको क्या करना है, ऐसे देखो। ठीक है, उसको इस पर स्टिक करना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ पहले क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसके पैर लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, ऐसे ये लगाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, पहले स्केल से लाइन खींचनी, फिर यहाँ से पूरा राउंड कर देना। ठीक है, मम्मी पापा के हेल्प से, और ऐसे स्मॉल स्मॉल ही बनानी है। ठीक है, आपको तो पहले हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और सेकेंड यहाँ पे लगाएंगे। ओके, इस तरीके से। ठीक है, देखो इस तरीके से लगाना है आपको। तो चलिए पहले हम यहाँ पे लगाएंगे पैर। तो यहाँ पे पहले हम गम लगाएंगे, यहाँ पे लगाने आपको गम। ओके, तो देखो बच्चे, इस तरीके से आपको टू पैर यहाँ पे लेग्स लगा देंगे उसके। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे एक हम फेस का लगाएंगे, यहाँ पे हम उसकी आइज लगाएंगे, और यहाँ पे फेस का लगाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे, इस तरीके से आपको टू लेग्स यहाँ पे जॉइंट कर देने हैं, और वन फेस का यहाँ पे उसका जॉइंट करना। ठीक है, और यहाँ पे हम आइस लगाएंगे। ओके, देखो मैंने आइस बनाई है। इस तरीके से आपको भी पेपर की आइस बनानी, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बिंदी या कुछ भी लगा देना। ठीक है, पेपर का नहीं बनाना है आपको। ओके, तो ये सब आपको मम्मी पापा के हेल्प से करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आइस लगाएंगे इसकी। ठीक है, देखो इस तरीके से। ओके, ठीक है, और ये जो मैंने डॉट डॉट करे, इसके ऊपर क्या करेंगे हम, ये सर्कल है वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पहले इसकी यहाँ पे हम बैक साइड यहाँ पे इसकी पूंछ लगाएंगे। ओके, जैसे टॉर्टाइस की होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे लगानी है। ओके, ऐसे करके। ठीक है, देखो इस तरीके से। ओके, तो देखो बच्चे, इस तरीके से हमको ये पूरे उसके दो पैर और पीछे इसकी पूंछ और ये फेस का लगाना। ठीक है, और आइस लगानी है आपको। ओके, उसके बाद ये देखो मैं डॉट करें, उसके ऊपर क्या करना है, मैंने आपको सर्कल दिखाया था ना, वो आपको ज्वाइंट करने है। ओके, तो देखो बच्चे, इस तरीके से पहले आप सब जगह गम लगा देने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पेपर है दिख रहे आपको, तो इस तरीके से यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे। देखो, ओके, कहीं भी कोई भी कलर स्टिक कर सकते हो, ऐसा नहीं आपको अलग कोई भी कलर ले सकते हो, एक कलर लेना है आप एक कलर भी ले सकते हो, और यहाँ पे आपको कोई भी रंगीन पेपर या कोई भी लेना है आप वो ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जॉइंट करना है, और आपकी इसकी आउटलाइन भी कर सकते हो, कोई भी ब्लैक कलर से इसका बॉर्डर ब्लैक कलर कर सकते हो आप। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको स्टिक करना है। ओके, अगर आपको पेपर ये कटिंग करके नहीं करना है तो आप बिंदी भी लगा सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको पेपर ही कट करके लगाना है। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको ये जॉइंट करना है। तो देखो बच्चा, हमारे यहाँ पे टॉर्टाइस रेडी हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये बनाकर ड्राइंग में आप इसको स्टिक कर सकते हो। ओके, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको इसके साथ खेलना है तो आप घर पे प्ले भी कर सकते हो। ओके, तो मुझे भी आप ऐसे बनाकर इसकी पीडीएफ आपको मुझे फ़ोटो सेंड करनी है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हम कुछ हिंदी का ओरल लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चा, अब लेंगे हम फल के नाम और सब्जियों के नाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फलों के नाम जाने, तो हमने फ्रूट्स नेम पहले हमने इंग्लिश में पढ़ ली है, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी पिक्चर है, सेब। क्या है, सेब। उसके बाद आम, फिर तरबूज, तरबूज। ओके, केला, केला। तो आपको हिंदी की नेम भी पता होना चाहिए साथ में। ठीक है, अंगूर, अंगूर। अनार, अनार। जामुन, जामुन। अनानास, अनानास। ओके, अमरूद, अमरूद। खरबूजा, खरबूजा। पपीता, पपीता। नारंगी, नारंगी। तो बच्चों, इस तरीके से आपके घर पे फल मम्मी लाती है तो उसके नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एप्पल,
सेब सेब, तो सेब कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। आम आम कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। ओके, तरबूज तरबूज अंदर से रेड होता है, बाहर से ग्रीन होता है। केला केला बाहर से येलो कलर होता है, अंदर से वाइट होता है। ओके, फिर अंगूर अंगूर दो तरह के होते हैं, एक वॉयलेट कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। अनार अनार कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। ओके, जामुन जामुन कौन से कलर के होते हैं? पर्पल। अनानास कौन से कलर का होता है? बाहर से ऑरेंज अंदर से येलो कलर। ओके, फिर अमरूद अमरूद बाहर से ग्रीन होता है अंदर से वाइट कलर होता है। खरबूजा खरबूजा अंदर बाहर से लाइट ग्रीन होता है और अंदर से थोड़ा सा पीले कलर का होता है। ठीक है, पपीता पपीता कौन से कलर का होता है? पीले कलर का। नारंगी नारंगी कौन से कलर की? ऑरेंज कलर की। ओके, तो बच्चे इस तरीके से आपको फल के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, फल के नाम जानिए। ओके, तो मैंने आपको फल के नाम करवा दिए, अब हम करेंगे सब्जियों के नाम। सब्जियों के नाम जाने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? गाजर गाजर, बैंगन बैंगन, मटर मटर, मूली मूली। तो आपको भी दो तीन बार ऐसे बोलना है इसको। ठीक है, प्याज प्याज, बंद गोभी बंद गोभी, फूल गोभी फूल गोभी, खीरा खीरा, आलू आलू, टमाटर टमाटर, भिंडी भिंडी, करेला करेला, अदरक अदरक, कटहल कटहल, नींबू नींबू, परवल परवल, शलगम शलगम। ओके, तो बच्चे इस तरीके से आपको पूरा रीड करना है। फिर क्या है? गाजर गाजर कौन से कलर की होती है? ऑरेंज और रेड कलर की होती है। ओके, बैंगन बैंगन कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का। मटर ग्रीन कलर का। मूली यहाँ से वाइट होती है, इसकी जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, प्याज रेड और पिंक में होते हैं। ठीक है, वाइट भी होते हैं। ओके, बंद गोभी ग्रीन कलर, फूल गोभी वाइट होती है और बाहर से ग्रीन होती है। ओके, खीरा ग्रीन कलर का होता है। ओके, फिर क्या है? आलू, तो बच्चों आलू कौन सा कलर का होता है? बिस्किट कलर का। ओके, टमाटर रेड कलर, भिंडी भिंडी कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। करेला वो भी कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। अदरक अदरक भी कौन से कलर का होता है? बिस्किटी कलर का। फिर क्या? कटहल ग्रीन कलर का। उसके बाद नींबू येलो कलर। ओके, परवल वो भी ग्रीन कलर की। फिर शलगम बाहर से पिंक होता है अंदर से वाइट। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये पूरे सब्जियों के नाम और फलों के नाम पता होना चाहिए, उसके कलर भी पता होना चाहिए। आपके घर पे मम्मी सब्जी और फल लाती है तो उसके नेम आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। पहले हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में टॉर्टाइस बनाना सीखा पेपर का, और अपने हमने ओरल कराए थोड़ा फलों के नाम और सब्जियों के नाम। ठीक है, हिंदी में वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इसकी मैं PDF सेंड करूँगी, उसमें आप देख सकते हो। ओके, और टॉर्टाइस बना के आपको उस पर पेस्ट करना है ड्राइंग बुक के अंदर, और मुझे उसकी फ़ोटो सेंड करनी है। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच बच्चों।